हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे और बहुत प्यारे होंगे। आज का जो वीडियो है ना, इसमें है कि हम अपने स्किन के ब्लैक हेड्स, फेस पे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स जो हो जाते हैं, और जो ठंड के दिनों में तो और भी ज़्यादा, क्योंकि ठंड के दिनों में हम ज़्यादा अपने फेस पे ध्यान नहीं दे पाते थे, और लेकिन अब आ गई गर्मियों का समय और सबसे स्पेशल कि होली आने वाली है, तो हम अपने चेहरे की इम्प्यूरिटी को कैसे क्लीन करें कि हमारा चेहरा ग्लो भी करे और साफ़ सुथरा भी दिखे। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि अपने चेहरे पर पील ऑफ अप्लाई कीजिए। सीट मास्क भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन पील ऑफ सबसे बेस्ट उपाय होता है चेहरे की अंदरूनी सफाई करने के लिए। तो उसके लिए देखिए, जब मैंने पहली बार, मतलब बहुत दिनों के बाद, कम से कम महीने दो महीने के बाद मैंने पील ऑफ अप्लाई किया है, और ये देखिए कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी आपको साफ विजुअल हो रही है। ये मैं खास इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको समझ में आए कि इम्प्योरिटीज चेहरे में होती है, इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी होती है। ये नोज़ एरिया के पास तो और भी ज़्यादा होती है, लेकिन इसे हमें किस तरीके से, इसका राइट वे क्या होता है, इसे सही तरीका इसका क्या होता है, तो आगे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में दिखने वाला है कि अगर आपको ब्लैक हेड्स को रिमूव करना है तो किस तरीके से करना है। प्लीज़ स्किप बिना किए हुए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। तो ये देखिए, मेरा पील ऑफ कुछ ड्राई हुआ है, कुछ अभी थोड़ा सा गीला है, लेकिन कभी भी एक साथ पूरे पील ऑफ को फेस से ना हटाएं। इससे हो सके कि आपके, अगर आपका स्किन सेंसिटिव है तो आपको कुछ स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि चेहरे पे खिंचाव आता है। जब आप इसे खींचते हैं ना तो चेहरा स्ट्रेच होता है, और इसे हमेशा ऊपर की दिशा में, अपर डायरेक्शन में इसे रिमूव करें, ना कि लोअर डायरेक्शन में। आपका स्किन टाइट नहीं हो सकता है, लूज हो सकता है, इसलिए हमेशा इसे ऊपर की तरह ही हटाएं। हाँ, अंडर आइज एरिया के पास थोड़ा सा सावधानी से हटाएं, ईयर के पास थोड़ा सा सावधानी से हटाएं, क्योंकि सब सेंसिटिव एरिया होते हैं। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि आपके फेशियल हेयर को भी ये रिमूव करता है। जो अभी मैं ये जो पील ऑफ अपने फेस पर से हटा रही हूँ, इसका ध्यान आपको एक चीज़ का और देना है कि जब भी आप अपने पील ऑफ अपने फेस से हटाएं तो उसको हमेशा ऊपर के साइड से हटाएं, ना कि नीचे के साइड से, जो कि मैंने अभी ये गलती की है। यही गलती लोग करते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ कि कोई भी, अगर आपको ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा हैं इसलिए आप अपर डायरेक्शन में इसे हटाएंगे तो आपके ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी मात्रा में रिमूव हो जाएंगे। तो इसलिए आपको अपर साइड ही हटाना है। ऐसे आप जैसे कंफर्टेबल है वैसे भी हटा सकते हैं। बहुत लोगों को पेन होता है अपर साइड से पील ऑफ हटाने में, तो जिस डायरेक्शन में मैं हटा रही हूँ, और एक साथ कभी भी पूरे पील ऑफ को एक साथ कभी भी रिमूव ना करें। इससे आपकी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच होगी और आपको पेन भी बहुत ज़्यादा होगा। आप देख रहे हैं इसे, यहाँ का एरिया थोड़ा सेंसिटिव होता है, इसलिए थोड़ा हल्का सा आपको यहाँ पे खिंचावट महसूस हो सकता है। यहाँ पे थोड़ा सा भी सूखा नहीं है, इसलिए फ़र्क आपको खुद महसूस होगा अपने स्किन में जब आप, जब भी आप पील ऑफ अप्लाई करेंगे। तो फोरहेड को देखिए मैं अपर डायरेक्शन में हटाने वाली हूँ। अगर कभी आपके आईब्रो पर लग भी जाए तो बहुत, मतलब रेयर चांस में ही आईब्रो का बाल ये रिमूव करता है, नहीं तो आईब्रो का बाल ये रिमूव नहीं करता है। हाँ, अगर आपके स्किन पर बेबी हेयर, जो छोटे छोटे फेशियल हेयर होते हैं, उसे ये रिमूव कर सकता है, तो आप सावधानी से देखकर ही हटाएं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि फोरहेड पे क्या ब्लैक हेड्स थे मेरे जो रिमूव हुए हैं। तो चलिए, गीला है ये वाला,
तो ये देखिए, फोरहेड पर ब्लैक हेड्स थे, जो कि आपको इसमें साफ विजुअल हो रहा है। कभी कभी कैमरा ब्लर हो जा रहा है, लेकिन कम्प्लीटली आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो एक बात का आपको हमेशा ध्यान रखना ना, कि जब भी आप अपने चेहरे पे पील ऑफ अप्लाई करें, चाहे वो चारकोल हो या वो ऑरेंज पील ऑफ हो, हमेशा चेहरे को स्क्रब करके उसके बाद चेहरे पे स्टीम लेकर तभी पील ऑफ अप्लाई करें। इससे होगा क्या कि जितने भी ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, आपके चेहरे पे डस्ट, इम्प्यूरिटी जो भी होगी ना, बहुत ही इजीली वो रिमूव हो जाएगी। आपको ज़्यादा पेन भी नहीं होगा और वो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से क्लियर भी कर देगी। तो इस बात का हमेशा याद रखिएगा कि कोई भी पील ऑफ फेस मास्क लगाने से पहले चेहरे को स्टीम जरूर कीजिए, चेहरे पे स्क्रब जरूर कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा निकलेगा और आपके चेहरा बहुत ज़्यादा ब्राइट भी होगा।